ग्राम पंचायत छिनारी में सन 2012-2013 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्षमतापुर का उन्नयन किया गया था। उन्नयन के दौरान बालक आश्रम क्षमतापुर में चल रहा था, किंतु आज तक कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक कक्षाएं लग रही थी, जिसके चलते आश्रम शाला के 100 बच्चों एवं शासकीय उमा विद्यालय के 95 बच्चों को बैठने की व्यवस्था में बहुत परेशानी हो रही थी एवं बालक आश्रम शाला को पीएमश्री घोषित कर शासन द्वारा बालक आश्रम को संचालन किया जा रहा है, किंतु पीएमश्री शाला का जिस प्रकार व्यवस्था होना चाहिए उस प्रकार नहीं हो पा रहा है, जिससे कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को बरामदा में बैठकर अध्ययन करना पड़ रहा है। इसकी सूचना एवं भवन स्वीकृत की मांग सन 2014 से ग्रामवासी द्वारा किया जा रहा है, परंतु शासन प्रशासन का इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं। लगभग ग्रामवासी 10 वर्षों से जिला कार्यालय एवं शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री तक इसकी सूचना एवं मांग किया गया, फिर भी इनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते ग्रामवासी गांव से चंदा राशि जमा कर शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का शेड निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लागत राशि लगभग 6 से 7 लाख बैठ रहा है, जो कि एक बड़ी धनराशि है, तो यह शेड निर्माण आर्थिक चंदा राशि से बनना संभव नहीं है। यू साहब बोले कि हम लोग ग्रामीण आज ग्राम पंचायत क्षमतापुर में बैठे थे। हाई स्कूल की मांग है अपने गांव में। 2013 से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल खुला है, उसमें बिल्डिंग नहीं है। हम लोग ग्रामीण मीटिंग रख के साथ में डीओ साहब भी आए थे और डीओ साहब बोले कि सोमवार को आओ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग का भवन आ जाए करके। तो बोले हैं, कोंडागांव बुलाए डीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य। डीओ साहब कैंटर को जानकारी देने के लिए भी बोले हैं क्या? हाँ बोले हैं। क्या बोले हैं? तो कलेक्टर साहब को भी बोलूँगा और जानकारी दूंगा करके। तो हम लोग को बोले हैं, हमारा एक गांव का समस्या है हमारे यहाँ कि 2012-13 से संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन हो रहा है, जिसके चलते हमारे बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मतलब कुल मिला के भवन अधीन है, मतलब भवन नहीं है, जिसके चलते हमारे बच्चे यहाँ पर आश्रम शाला भी संचालित हो रही है, प्लस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं भी संचालित हो रही है, और आश्रम में कक्षा 1ली से लेकर 5वीं तक दोनों शाला को यदि जोड़ा जाए तो कम से कम 12 कक्षाएं यहाँ पर संचालित हो रही है। लेकिन जो हमारे पास भवन है मात्र 5 या 6 रूम के है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे में मेरे, वहाँ पर आश्रम शाला क्षमतापुर भी संचालित हो रहा है, प्लस शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला क्षमतापुर भी संचालित हो रहा है, जिसके चलते बच्चों की दर्ज संख्या हिसाब से 200 के आसपास हैं, जहां पर बैठने का पूरा व्यवस्था नहीं रहता है। इसलिए बाकी बच्चे बरामदा में बैठकर अध्ययन करते हैं और बाकी अंदर में। कि हम लोग 10 वर्ष से हम लोग शासन प्रशासन को सूचना दे रहे हैं, हमारी मांग है कि शासकीय हाई स्कूल भवन स्वीकृत किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन हमारी मांग का कोई सुनवाई एवं फिर हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हम लोग का यही, हम लोग फिर ये सोचे कि यदि ये नहीं होता है तो हमारे ग्राम से जो चंदा करके हमारे ग्रामवासी द्वारा एक अतिरिक्त शेड निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसमें लागत लगभग हमारे पास उतना नहीं हुआ, 6 से 7 लाख के ऊपर जा रहा है। हमारे पास जो अमाउंट था 2 लाख रुपए, आधा अधूरा करके हम लोग फिर छोड़ दिए हैं। हम लोग शासन को कम से कम 10 साल में कम से कम 50 बार जाके हम लोग इस समस्या का समाधान को लेकर गए हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई समस्या सुनवाई नहीं हुआ है। और सर ये हमारे जो हाई स्कूल, जहाँ पर हमको मिला है हाई स्कूल, वन अधिकार पट्टा मिला है, जहाँ पर हाई स्कूल प्रस्तावित किया गया है, वहाँ आधा बन चुका है। जी जी, उसको आप दिखा सकते हो? ना दिखा सकते हैं, जहाँ पर मटेरियल भी गिराए हैं हम लोग गांव तरफ से, और वहाँ पर पर्याप्त जगह हमारे पास है, पर्याप्त जगह है, सबका सहमति है और पंचायत प्रस्ताव भी है, फिर भी सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं 2016 में प्रमोशन नहीं हो सकता। सर ये आश्रम का बिल्डिंग है जी, भवन आश्रम का है, लेकिन संचालित हाई स्कूल हो रहा है यहाँ पर जी। 2013 से ही, जब से स्कूल खुला है तभी से यहाँ पर संचालित हो रहा है सर। शुरू से दिया जा रहा है सर, करीब 10 साल हो गए और हमारे पास रिकॉर्ड भी है।
15-20 प्रस्ताव दे चुका दिया गया है सर जी। अभी 100 बच्चे हैं पूरा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से 12वीं तक 100 बच्चे हैं जी। दो फैकल्टी चलती है यहाँ पर सर जी। माकड़ी से रोशन सेन की रिपोर्ट।